मुरादाबाद की सिविल लाइंस थाना पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर 75 वर्षीय बुजुर्ग के हत्याकांड से पर्दाफाश किया है। यह संगीन जुर्म किसी और ने नहीं बल्कि मृतक के ही एक कलयुगी बेटे और 3 पोतों ने अंजाम दिया है। पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि मृतक ने अपनी 150 बीघा जमीन में से उन्हें परिवार पालने के लिए बिल्कुल भी नहीं दी थी और बुजुर्ग धीरे धीरे जमीन को बेचकर बर्बाद कर रहा था, जिसकी वजह से उन्हें डर था कि कहीं मृतक सारी जमीन बेचकर उन्हें बर्बाद न कर दे। गिरफ्तार कलयुगी पुत्र धर्मपाल इससे पहले भी एक बार अपने माता पिता को जहर दे चुका था, जिसमें उसकी माँ की इलाज के दौरान मौत हो गई थी और पिता ठीक होकर घर आ गए थे। लोगों ने समझा था कि फूड प्वाइजनिंग की वजह से दोनों लोग बीमार हुए होंगे। कलयुगी पुत्र द्वारा इससे पहले भी एक ट्रक चालक को अपने पिता की ट्रक से टक्कर मारकर हत्या करने की सुपारी दी गई थी, लेकिन ट्रक ड्राइवर उस हमले में नाकाम रहा था। अब धर्मपाल ने अपने बेटों के साथ मिलकर अपने ही पिता की गला दबाकर हत्या कर दी। दरअसल मुरादाबाद पुलिस को 30 अगस्त की रात सूचना मिली थी कि कॉलोनी में रहने वाले बुजुर्ग की संदिग्ध हालत में मौत हो गई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने छानबीन में मृतक की गला दबाकर हत्या की आशंका जताई, जिसके बाद पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था और जांच पड़ताल के बाद आरोपी धर्मपाल और उसके बेटे रजत, अनिकेत समेत अंकित को गिरफ्तार कर लिया गया है। और हत्या करने का प्लान इन्होंने लगभग रक्षाबंधन के आसपास इन्होंने बनाया और हत्या करने वाले दिन ये आए और गला दबाकर इसकी हत्या करी। जिस दिन डेड बॉडी मिली थी उससे एक दिन पूर्व इन्होंने ये हत्या करी थी। पूछताछ में इन्होंने ये भी बताया कि इससे पूर्व भी इन्होंने अपने पिता की धर्मपाल ने अपने पिता की हत्या करने का प्रयास किया था। इन्होंने लगभग 2-2.5 वर्ष पहले एक ट्रक ड्राइवर को पैसे दिए थे कि ये इसकी हत्या ट्रक से टक्कर मार के कर दे, बट उसने इस प्रकार का नहीं किया। उससे भी ये पूछताछ से कंफर्म हुई है। साथ ही ये भी बात इन्होंने कबूल करी है, लगभग 2-2.5 साल पहले इन्होंने अपने पिता को मारने के लिए एक जहरीला पदार्थ दिया था, जिसमें माता पिता दोनों हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे, जिसमें माँ की डेथ हो गई और ये बच गए थे। इसमें भी अलग से इन बिंदुओं पे जांच की जा रही है। इसमें आज इन चारों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। इसमें जो धर्मपाल है इस पे पूर्व में भी 307 का मुकदमा 1994 में इसके पिता द्वारा लिखाया गया है। सभी बिंदुओं पे जांच कर विधिक कार्रवाई पूर्ण करी जा रही है।